मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सभी वरिष्ठ साथी रविंद्र मटरू जी, मनीष यादव जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे सभी वरिष्ठ साथी मेरे साथ मौजूद हैं। हम बदलाव यात्रा के इस पड़ाव पर नारनौल में इस वक्त मौजूद हैं। ये बदलाव यात्रा हरियाणा के हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। भविष्य को गढ़ने के लिए, सुनहरे भविष्य को बनाने के लिए शुरू की गई है, क्योंकि हरियाणा के लोग त्रस्त हैं इस बात से कि बार बार पार्टियां तो बदली लेकिन लोगों के हालात नहीं बदले। बार बार कभी कांग्रेस की सरकार आई, कभी बीजेपी की सरकार आई, बार बार सरकारें बदलती रही, लेकिन लोगों की मूलभूत समस्याओं का इलाज नहीं हो पाया। और इसलिए पूरे हरियाणा में बदलाव यात्रा के जरिए सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन हो सके, ऐसी एक मुहिम, ऐसी यात्रा हमने शुरू की है ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके, महिलाओं को सुरक्षा मिल सके, किसानों को उनकी फसल का दाम मिल सके, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल सके लोगों को। ऐसी स्थिति में ये बहुत विस्फोटक स्थिति हो जाती है, इसलिए कई बार मन बहुत विचलित होता है कि हरियाणा का 25 लाख युवा बेरोजगार क्यों है। कांग्रेस ने भी यात्रा निकाली लेकिन वो यात्रा बेमानी थी, क्योंकि 25 साल कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के ऊपर राज कर लिया और उसके बावजूद भी बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं कर पाए, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दिला पाए, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल का इंतजाम नहीं कर पाए। आजकल पता चला है कि ये बीजेपी वाले भी कोई 52-55 यात्राएं निकाल रहे हैं। क्या मतलब है इन यात्राओं का? अगर पिछले 9-10 साल में भारतीय जनता पार्टी आम लोगों की समस्याओं का निवारण नहीं कर पाई तो फिर ये यात्रा निकालने से क्या परिवर्तन कर देंगे, ये यात्रा निकालने से क्या समाधान कर देंगे? इसलिए आम आदमी पार्टी की ये बदलाव यात्रा सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है बल्कि सत्ता परिवर्तन के जरिए व्यवस्था में परिवर्तन हो सके, युवाओं को रोजगार मिल सके, मूलभूत सुविधाएं हरियाणा के हर व्यक्ति को मिल सके, इसलिए ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई चल रही है, ये बदलाव यात्रा चल रही है। कल हमको महेंद्रगढ़ में और अटेली में जबरदस्त समर्थन स्थानीय लोगों का मिला। आज भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें नारनौल के लोगों का साथ मिलेगा और जैसे जैसे इस सफर में आगे बढ़ेंगे पूरा हरियाणा हमारे साथ जुड़ता चला जाएगा। इस बदलाव यात्रा में लोग ये तय करेंगे कि अब कांग्रेस बीजेपी नहीं चलेगा बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आम आदमी को अपना राज बनाना पड़ेगा, अपनी सरकार बनानी पड़ेगी और खुद अपनी सरकार चला के अपने सारे काम कराने पड़ेंगे। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। 2024 का जो चुनाव है वो किसी आम चेहरे के साथ लड़ेगी आम आदमी पार्टी या वो खास चेहरे होंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी में आप ही सब लोगों के बीच में से निकले हुए आम लोग होते हैं जो बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाते हैं। उसका कारण सिर्फ यही होता है, बीजेपी और कांग्रेस वाले क्यों हार जाते हैं आम आदमी पार्टी से? इसलिए हार जाते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी से चुनाव होना है हमारा, आम आदमी पार्टी से लड़ाई है। आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, आम आदमी पार्टी का सिर्फ चुनाव निशान होता है, झाड़ू का निशान। दरअसल चुनाव जनता लड़ती है आम आदमी पार्टी के चुनाव निशान पर, इसलिए कोई हरा नहीं पाता इन पार्टियों में से। हरियाणा के अंदर भी वही होगा, आम लोग त्रस्त हैं, गांव गांव के अंदर एक ही नारा, एक ही बात सुनने को मिलती है। लोग ये कहते हैं भाई इन पार्टियों से परेशान हो चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं, तंग हैं इन पार्टियों से, इन पार्टियों से मुक्ति चाहते हैं लोग, आम आदमी का राज चाहते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं लोग। इसलिए जब हमारी सरकार आएगी तो विधानसभा में आम आदमी पहुंचेंगे।
विधानसभा में हम भी पहुंच के अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार चलाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।